हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियनी, मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबकी क्वेरीज आ रही थी कि सर स्टैट प्रो कनेक्ट के बारे में कुछ वीडियोस तैयार करो या उनके बारे में मुझे बताओ। दोस्तों वीडियोस तो इसलिए नहीं तैयार कर पाए क्योंकि मेरे पास स्टैट प्रो कनेक्ट है नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन मैंने उसके लिए अपने, मेरा फ्रेंड था जो स्टैट प्रो में ही काम कर रहा है, उससे मैं मिला था अभी लास्ट संडे को। तो मैंने उससे बोला कि आप लोग के ऑफिस में क्या यूज कर रहे हैं, तो बोलते हैं स्टैट प्रो कनेक्ट यूज कर रहे हैं। बट उसके पास ट्रायल वर्जन था, ट्रायल वर्जन आई थिंक 25 डेज का, उसने बोला 25 डेज का ट्रायल वर्जन था। तो मैंने कहा मुझे एक बार दिखाना, मैं थोड़ा इंटरफेस वगैरह को देखना चाहता हूँ। तो उसने बोला देख लो। तो मैंने लगभग आधे घंटे उसको देखा और उस पर स्टडी किया कि क्या क्या चेंजिंग्स हैं स्टैट प्रो कनेक्ट में। इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे जैसा अभी तक सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा और कर देना। दोस्तों स्टैट प्रो कनेक्ट में जो डिफरेंस है वो है रिबन पैलेट का, मेन डिफरेंस है रिबन पैलेट का। रिबन पैलेट क्या होता है, आप ऑटोकैड में देखते हो लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल वाली जो लाइन होती है, जो पूरा ब्लॉक होता है, दैट इज रिबन पैलेट। ऐसे ही स्टैट प्रो में जो ऊपर का पैलेट होता है उसको बोलते हैं रिबन पैलेट। स्टैट प्रो अभी बेंटली कंपनी का सॉफ्टवेयर, इसको ईटैप्स जो है वो रोक रहा था। मींस ईटैप्स इतना इजी इंटरफेस दे रहा था कि लोग सब मैक्सिमम ईटैप सीखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अच्छा भी ईटैप, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ ईटैप। तो लोगों का रुझान जो स्टैट प्रो से था वो कम हो रहा था। तो स्टैट प्रो जो V8i सीरीज जो आपने सीखा होगा, सीरीज 4, 5, 6, अब उसको बंद करके उसने नया जो एडिशन लाया वो लाया है कनेक्ट एडिशन। तो कनेक्ट एडिशन में उसने क्या किया कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, मीन्स रिबन पैलेट को सामने रख दिया जिससे कि आपको हर एक टूल जल्दी जल्दी से मिलते चले जाएं। दूसरा उसने क्या किया, दूसरा जैसे कि हम लोग वहां पर रन स्ट्रक्चर विजार्ड वगैरह को जाके अंदर से ओपन करते थे, फिर बे फ्रेम लेते थे, बे फ्रेम लेके फिर उसको ट्रांसफर मॉडल करते थे, अभी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सामने फ्रंट पे ही मिल जाएंगी। लोड लगाने के लिए भी रिबन पैलेट में ही आपको टूल मिल जाएगा, रिबन पैलेट से ही फटाफट चेंज कर सकते हो। इन द सेंस कि बस उसने यही किया है कि इजी फॉर्म में ले आने की कोशिश की है स्टैट प्रो को। पहले भी इजी था, इतना भी टफ इंटरफेस नहीं था, लेकिन कंपटीशन उसका CSI से था, यानी CSI ईटैप से था। तो उस कंपटीशन में उसको खरा उतरने के लिए उसको कुछ तो करना था। तो पहली चीज उसने ये चेंज किया, और दूसरी चीज उसने एक और बहुत अच्छी चेंज की है, उसने कोशिश किया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आसानी से किया जा सके। मींस मतलब कि हर एक फॉर्मेट को, मैक्सिमम फॉर्मेट अब हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं स्टैट प्रो में, और मैक्सिमम फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मींस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को अच्छा कर दिया है इसने, कि आप कोई टेंशन नहीं है कि कौन सा फाइल का फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये टाइम हो चुका है BIM का, मींस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। अब मैक्सिमम लोग बीम के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वही सॉफ्टवेयर स्टैट का वही यूज करेंगे, स्टैट या ईटैप, जिससे कि उनको डायरेक्ट एनालाइज करने के बाद डाटा मिल जाए और उसको एज अ बीम भी यूज कर सके, मींस उनकी मॉडलिंग भी उसी पे कर सके। लोगों को टाइम बचाना है, अब लोगों के पास टाइम तो रहा नहीं, क्यों, क्योंकि कम पैसे में अच्छा प्रोजेक्ट करके देना है, तो इस तरीके से टाइम तो सेव करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो इसी चीजों को लाइक फोकस करते हुए स्टैट प्रो ने अपने कनेक्ट एडिशन को लेके आया है। घबराने का मत सोचो कि ये सर मैं चलाऊंगा कैसे, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने स्टैट प्रो V8i सीरीज सीखा अच्छे से, सेम है, सिर्फ इंटरफेस चेंज है। मीन्स अब आपको और इजी हो गया, आप सब कुछ रिबन पैलेट, आप समझो कि सबको रिबन पैलेट में रहेगा, बस खोजना है। पहले क्या था, पहले अंदर कुछ टूल्स रहते थे, जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट पे जाते थे, उसके बाद बीम पैलेट 2x, बीम पैलेट 2y करते थे। अब वो सब आपको सीधे रिबन पैलेट पे मिल जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं रिबन पैलेट इस पे स्टैट प्रो कनेक्ट पे एक वीडियो भी बनाऊँ, मीन इन द सेंस कि उसको मैं दिखाऊं उसमें क्या क्या चेंजिंग्स है। बट अभी मेरे पास स्टैट प्रो कनेक्ट नहीं है। सो आप में से किसी के भी पास अगर है तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर मेरे पास है, आपको अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, तो प्लीज दीजिएगा। जैसे आप देंगे मैं उसके दूसरे तीसरे दिन ही एक दो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि देखो यार इसमें ये चेंजिंग्स है और लास्ट वाले में ये था। तो इस मतलब क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट आपको दिखाने से पहले मैं बेंटली के साइट पे भी गया, वहां पे मैंने स्टैट प्रो कनेक्ट के बारे में पूरी स्टडी की, और वहां पे भी उनका मेन जो मोटो था, वैसे तो बहुत कुछ है बट मेन जो उनका कहना था, उन्होंने बोला कि हम ग्राफिकल इंटरफेस पे यानी रिबन पैलेट पे काम किए ज्यादा से ज्यादा इस एडिशन में, और साथ ही साथ उसके बाद हमने काम किया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। यही इनके दो मोटो थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि BIM का टाइम है, और जो ये रिबन पैलेट इंटरफेस इजी किया क्योंकि अब उसका कंपटीशन थोड़े बड़े लोगों से होने लगा था, तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपको शेयर मार्केट में हर कोई है। लेकिन ये टेंशन नहीं है, हमें इंटरफेस से कोई इतनी खास मतलब नहीं होता है, सिर्फ अगर आपको पता है कि
वैल्यू कैसे डालना है, लोड कैसे डालना है, एनालाइज कैसे करना है, तो कोई भी खास इंजिंग्स नहीं आती है ये मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर हो। हम लोग को तो कोई भी सॉफ्टवेयर दो, आप मैं आपको दूसरे दिन बता दूंगा कि देखो इसमें ये चेंजिंग्स है, 2-3 घंटे देखने में सब क्लियर हो जाता है। दोस्तों आप सब चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इस टैट्रो कनेक्ट के बारे में तो नीचे कमेंट करना। प्लस आपने अगर चलाया है, मीन्स आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके कंपनीज में, मेरे एक स्टूडेंट है उसने दिल्ली में है, तो उसने बताया कि सर मैं वो भी सब्सक्राइबर ही है, तो उसने बोला कि सर स्टैट्रो कनेक्ट हमारे ऑफिस में यूज कर रहे हैं और उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही है। एक प्रॉब्लम तो बहुत बहुत ज़्यादा वाली थी प्रॉब्लम, वो भी मैं भी कोशिश कर रहा था बट मेरे पास स्टैट्रो कनेक्ट नहीं था तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाया। बाद में उसने भी शायद मैनुअल डिज़ाइन करके ही प्रीफर किया, हो नहीं पाया क्योंकि स्टैट्रो कनेक्ट कम लोगों के पास था और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। प्लस उसमें थोड़ा सा एडवांस भी किया गया, एडवांस इन द सेंस कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू उसमें ऑटोमेटिक डाल दी गई हैं, जिससे कि क्या होता है कि इजिली, अभी जैसे ईटीएस में आप देखते हो M25 किया तो M25 का डाटा आपके सामने आ जाता है, जिसने भी चलाया होगा उसको पता होगा। ये चीज स्टैट्रो ने भी करेक्ट एडिशन में लाने की कोशिश की है, मीन्स काफी चीजें एडवांस कर दी है कि आप बस आप ये बताओ कि आपको चाहिए क्या, फटाफट आपको जनरेट करके वो देता चला जाएगा। ये सब चीजें पहले नहीं थी, पहले स्टैट्रो हर एक चीज को आप मैनुअली डालना पड़ता था, अब ये सारी चीजें अच्छी है कि थोड़ा सा ऑटोमेशन ले आने की कोशिश की है। दोस्तों आप सब में अगर जो भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में होंगे, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास ग्रुप तो जरूर होंगे, आज के टाइम में व्हाट्सएप तो चलाना ही चलाना है, तो उसमें ग्रुप में एक दो लोगों को शेयर कर देना, एक दो ग्रुप में, और साथ ही साथ आपके जो HOD होंगे या जो भी आपके सर होंगे जिनसे आपकी अच्छी खासी बनती है, मीन्स होता है कॉलेज में आप सबको ही पता है कोई सर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनको ये हमारा कोई भी एक ये वीडियो दे देना उनको, वीडियो दे के बोलना सर ये चैनल है और इस चैनल पे आकाश पांडे सर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सिविल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और साथ ही साथ उसके बारे में पढ़ाते भी हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो उनको दे देना। अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो पूरे कॉलेज में फैला देंगे, मीन्स कॉलेज में सबको बता देंगे। उसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा बट मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्यों बड़ा काम हो जाएगा? क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, मुझे और ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, जो मैं दूसरे काम कर रहा हूँ उनको थोड़ा सा कम करूँगा और इसको बढ़ा लूँगा। तो मैं ज़्यादा वीडियोस, अभी मेरा मन करता है कि मैनुअल बताऊँ लेकिन मैनुअल के लिए पहले मैं बोर्ड लूँ, उसके बाद एक अलग से उसके लिए बड़ा ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें, वो हमारी प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व कर लूँगा। बस आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना है यार वीडियो, और इसकी वजह से मैं मैनुअल भी आपको सिखाऊंगा। मैंने सोचा है डायनेमिक एनालिसिस में पूरा डीप में जाने वाला हूँ डायनेमिक के, और मैं खुद भी अभी डायनेमिक की MTech की बुक पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? जिससे कि जो मेरा वीडियो बने डायनेमिक का बहुत हाई लेवल का हो। तो जब स्टडी कर रहा हूँ तो यही आप सबके लिए ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो यार और ज़्यादा, क्योंकि 200-300 व्यू आते हैं, आपने खुद भी देखा होगा, तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यार इतना टाइम मत दो, इतना टाइम तुम दूसरे काम में देते हो, तुम्हें ज़्यादा अर्निंग मिलती है अर्निंग सोर्स से। बट मेरा यहाँ पर अर्निंग का कोई खास मोटो नहीं है, सिर्फ ये है कि अभी मुझे एडिटिंग वगैरह खुद से करनी पड़ रही है, क्योंकि अपने जेब से आदमी कितना पैसा देगा, और थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कर दो तो अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।